एंड चलिए अभी फिलहाल जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट आए हुए थे, अभी मैं वैसे बाहर आ गई हूँ। नमस्कार सर, वेलकम वेलकम, आइए जी। सर स्पेशली आए हैं विमेन्स वीक सेलिब्रेट करने। सर एक शायर हैं और हेलो अमीन सर की बुक भी है साथ में। सर स्पेशली आए और सर ने बोला कि मतलब ऐसे लाइव हो रहा है, कोई कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं थोनू ज्वाइन करना चाहना है। सर बैठो जी। थैंक यू जी। सर सर मैनू आप दे बारे दसो, मतलब मैनू इतना पता है कि तुसी एक शायर हो। मेरा नाम तरसेम सिंह सिद्धू है जी। बेसिकली मैं फिल्म मेकर हूं, शौकी है, शायरी करता हूं, पेंटिंग करता हूं, स्कल्पचर मेकिंग करता हूं, ब्रेड एंड बटर लाई मैं पढ़ाना है। जी जी जी। सर थोनू पता है कि विमेन्स वीक चल रहा है, ते ऐसी कॉन्टेस्ट भी प्ले कर रहे हैं। ते तुसी कोई मतलब आपकी बुक तो कोई कोई अच्छी जी अच्छा जा शेयर जी अर्ज कर दो, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया लगूगा। बुक नहीं हले मेरी आई जी, ये मेरी डायरी है। और मैं लिखता रहना, मतलब आउट एंड आउट तो आप ये नहीं कहेंगे कि जिवें तुसी देखा होना कि कोई नेता भाषण देता हमेशा कहिंदा कि औरतां बहुत महान है, औरतें बहुत महान है, ऐसा इना इना कहने नाल चलना नहीं है। सो अपन ना छोटिया छोटिया जिहड़ियां उन्हां दीआं एक्टिविटीज ने जिहड़ियां साडी रोजमर्रा दी जिंदगी च सानू थोड़ा थोड़ा शेप अप करदीआं ने, थोड़ा थोड़ा चेंज करदीआं ने साडे विच, उन्हां दे बारे मैं कुछ लिखिया। मतलब ओहदे बारे जे आपां गल करिए तां ओह जिहड़ी औरत दी महानता है ओह ज्यादा आपां नूं डीपली पता चले। जी जी जी। ओह हैगा कि देखो एक औरत जो थानू प्यार कर दी है, थोड़ी केयर कर दी है, तो वह किस तरह मतलब कितने थावां दे विच थोड़ी जिहड़ी अपनी मौजूदगी नूं दर्शाउंदी है। आपां सिर्फ ये कह दिंदे कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे प्यार करती है, लेकिन समझ नहीं आना होंदा प्यार कीता किदां जांदा। छोटिया छोटिया जिहड़ियां गतिविधियां ने मैं उन्हां बारे गल करांगा। ते इह हिंदी दे विच जी एक औरत वल्लों है कि मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे गुलदान के पीछे तुम्हारे बिस्तर पर गीले तौलिए में ओए है तुम्हारी घड़ी की टिक टिक में टाई की गांठ में तुम्हारी मेज पर तुम्हारे लिखने के लिए रखे कागजों के बीचों बीच क्या बात है कलमदान में और हर कलम के ऊपर दराज में वहां तुम्हारे संभाल के रखे पीले रंग के कुछ तीन चार कागजों के नीचे जिन पर तुम अपनी काट काट कर संवारी शायरी लिखते रहते हो ना उनमें क्या बात है तुम्हारे हैट में और तुम्हारे जूतों के बीचों बीच और हाँ सुबह की सैर पर जाते हुए जो तुम छड़ी उठा लेते हो ना ओए होए उसके हैंडल पर जी सब जगह अपना इश्क छुपा के रखा है क्या बात है क्या बात है सब जगह अपना इश्क छुपा के रखा है मेरे जाने के बाद वो तुम्हें हर जगह से मिलेगा कुछ महीनों बाद देखना उन सब जगह फूल उगाएंगे घर फिर से महकेगा उसी तरह जैसे तुम कहते थे ना कि मेरे होने से घर का कोना कोना महकता है क्या बात है हाँ उसी तरह क्या बात हुण तुसी ए देखो थैंक यू ए देखो कि घर दे विच किन्नियां छोटियां छोटियां जगह ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਫਸ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਹਣੇਪਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਨਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸਲ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘੱਟ ਪੀਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਦਰਸ ਦਾ
एग्जाम्पल लईए ता मदर्स मतलब की जे हुने एक रोटी पई होवे ते बच्चे ने भी खानी होवे मदर मतलब पूरी तो पूरी रोटी दे दूंगी मतलब आप द पेट बेसिकली यू नो अपने सैक्रिफाइस अपने पूरी रोटी देके वो कहेगी कि मेरा पेट भर गया दोपहर में मैंने वो खा लिया था ना, फिर वो पड़ा हुआ था ताकि बच्चे नो ये ना लगे कि मैं रोटी भी खा ली है ते मेरी मदर भूखी है ओनू दसेगी जे तू फिकर ना करी यानी कि खान तो बार भी बेटा ओदी फिकर ना करी ओदी फिकर नो भी वो खत्म कर रही है जी 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 और तुसी एक होर मैं थोड़ा सामने सीन पेश करन लग्या मोस्टली मैं खुद ट्रैवलिंग करदा काफी तो मैं ट्रैवलर्स नु बहुत मिलया दो तरह के ट्रैवलर होंदे ने एक ता जेड़े ब्रेकअप तो बाद अपना एस्केप लभण गए होंदे ने पहाड़ां दे विच के थोड़ी देर लई ओ दुख दर्द मेरे तो दूर होवे मैं वादियां देख के ठीक हो जावां दूसरे होंदे ने जेड़े इश्क दे विच ताजे ताजे पए होंदे ने ते उहनां दा दिल करदा कि ओ डुड के दुनिया दोनों ही मायने दे विच देखो एदे विच आपां दोनों ही मायने च औरत नूं गलत नहीं कह सकदे जेड़े ब्रेकअप तो बाद गए ने उत्थे भी मौजूदगी औरत दी है अगर ओह सिद्धी सपाट जिंदगी हुंदी ना ते उहनां ने कदे घरों नहीं सी निकलना मैं अक्सर अपने दोस्तां च गल करदे कहना हुंदा कि यार जो चंगे तजुर्बे होए उन्हां दी आपां हमेशा गल करदे आं माड़ियां नूं भी अप्रीशिएट करना चाहिंदा जे ओह ना आउंदे तुहाडी जिंदगी तां इन्नी सिद्धी सपाट जिंदगी जा रही सी इन्नी बोरी है तुसीं किसी नूं सुणाउंदे आपदी कहानी ते की सुणाउंदे कोई आया ते तुहाडे टिके होए पानी नूं हिला के चला गया कुछ लहरां तां पैदा होईयां ना कुछ किल जुल तां पैदा होईयां जी 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 बिलकुल सो इत्थे इक मैं पंजाबी दी नज़म तुहानूं सुणाउणा बिलकुल जी इहदे विच भी औरत दी मौजूदगी जिहड़ी है तुसीं महसूस कर सकदे हो जी उहने कहा सी ओने कहा सी मैनू मिलना चाहे ता दुनिया घूमी शायद इस जहान दे किसे नक्श चो मैं तैनू लब पवा वाह वाह मैं उस दी गल मन रोजगार दे मसले नू लांबे ला इबन बतूता हो निकलिया क्या बात है उना वादियां विच घूमया जिथो उस दे हुसन दे चलकारे पेंदे सन उना हवामा संग रुमकिया जिन्ना चो उस दी महक घुली हुई सी जी ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਝਟਕੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਛੱਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਮੱਕੜ ਹੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰਤ ਜੀ 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 ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ